अभी भाई जी हमारा अनुभव सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, पहले पहले में से एक आ जाए, खड़े हो जाए, पहले उठो, हाँ हाँ, इन दोनों महारथी के लिए ताली बजाओ। दूसरी बात है, आप जो भी अनुभव सुनाएंगे, ये तीन दिन के अंदर जो भट्टी में अनुभव हुआ, ऐसा नहीं मैं पहले जो ज्ञान में चली थी या वहाँ कुछ हुआ था वो नहीं, ये तीन दिन भट्टी में क्या सीखा वो प्रैक्टिकल में आपको बताना है। और आपके अनुभव मैं आगे की भट्टियों में सुनाने वाला हूँ, और आपके अनुभव में दूसरे ज्यादा सुनाऊंगा, तो वो आत्माएं सुन के दुआएं देंगे या नहीं? सभी तो बोलना नहीं है ना भाई, हाँ जी में कौन सा पैसा लगता है, सभी बोलो हाँ जी, और ठीक है। तो इसीलिए आप सबको आके सिर्फ एक मिनट से लेके डेढ़ मिनट तक इतना ही अनुभव सुना है, सुना ओम शांति। जैसे कि हमको पता चला 8 तारीख को भर्ती 3 बजे यहाँ आए, और बड़ी खुशी हुई, भैया ने बताया जो है हमारे मस्तक मणि में जो है आत्मा चमक रही है। इसके बाद बताया मस्तक मणि में आत्मा चमक रही है, फिर बाबा एक फुट हमारे ऊंचाई पर जो है बिल्कुल हमको उनकी किरणें जो है हमारे आंखों पर जो है आत्मा में होते हुए पूरे शरीर में प्रवेश हो करके पूरा जो ये बाहर निकल रही है, लोगों को सकार दे रही है। तो सुन करके जैसे गेट के बाहर गए तो हमको बराबर निरंतर ही रास्ते में जो है अनुभव हो रहा था, तब से आज तक बराबर ये निरंतर अनुभव होता है कि हम चल रहे हैं पूरा जो दे रही है, ये बहुत लगन। फिर उसके बाद दूसरे दिन हमने बेला करने आए, उसमें भैया ने जो अनुभव जो है बताया उससे जो हमारी जो है और दृढ़ शक्ति मजबूत हुई, बराबर निरंतर ही जो है ये चीज बराबर लगती है कि बाबा की किरणें जो है जा रही बराबर निरंतर। ओम शांति। बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं, लास्ट में बाबा कहाँ हैं? मेरे संग संग चलते बहुत अच्छा। नेक्स्ट भाई आके खड़े हो जाओ, जैसे भाई जाएगा तो भाई आ जाएंगे, बहन जाएंगे तो बहन। फटाफट एक एक मिनट सुनाओ। सामने देख के सुना, मैं सुन रहा हूँ सामने देख के सुना। एक्शन की बात अच्छी लगी बहुत, मतलब एक्शन भी कर करके अपने को सुधारा जा सकता है। वैसे तो बाबा की मुरली से काफी बातें समझ में आती थी, और एक्शन करके अपने को कैसे सुधारे हैं वो बहुत अच्छी लगी। ऐसे जैसे दीदी ने एक बार कहा, बड़ी दीदी ने, तो पहले तो बनेगी मेरे पास रह जा, तो हमने घर में जाके सीधे कह दिया, बता दिया हमने काम में पुत रहेगा, तो दीदी का एक्शन यहाँ तक काम आया, तो हमारे भी आ सकते हैं। बाबा कहाँ हैं? मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। नेक्स्ट बहन आ जाओ, उठ के अपने आप। हाँ बहुत अच्छा। ओम शांति। ऐसे रोज की दिनचर्या में आ जाओ, आ जाओ, जो भी सुना है आ जाओ, खड़े हो। जब भी हम सोते हैं सभी भाई बहन तो बाबा को गुड नाइट करते हैं, और जब सो के उठते हैं सुबह तो गुड मॉर्निंग करते हैं। रोज का नियम बन गया है, लेकिन गुड नाइट कहने का और गुड मॉर्निंग करने का तरीका कैसा होता है? नॉर्मली थके हुए सुबह से काम है निपटा ले, बाबा को गुड नाइट बोल दिया, बस हो गया। सुबह उठते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं, अपना भी बता रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। लेकिन कल का जो अनुभव था, कल यहाँ से करके गए तो अंदर से खुशी हो रही थी अपने आप ही, खुशी मन से बाबा को गुड नाइट किया, तो मैं बाबा ऐसे खुशी से आज गुड नाइट कर रहा हूँ, रियल में गुड नाइट कर रहा हूँ, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, काम नहीं निपटा रहा हूँ। और उसके बाद सुबह जब उठे तो उठने से पहले माइक थोड़ा नीचे पकड़ो ऐसे, और सुबह जब उठे तो सुबह उठते ही अपने आप अंदर से खुशी थी, और खुशी मन से गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद रोज ही गुड मॉर्निंग बोलते थे, लेकिन ऐसे ही
काम निपटाना है, पता नहीं बाबा है कि नहीं है, लेकिन आज दिया पे महसूस हुआ कि वो तो मेरे साथ ही है, बाबा कहाँ है। और उसके बाद जब गुड मॉर्निंग बोलने के बाद क्या होता है, क्या विचार करना है, क्या सोचना है, तो वही पुरानी बातें या कोई ऐसी निराशाजनक बातें दिमाग में आती थी। आज क्या क्या करना है, क्या पाना है, सफलता, सफलता अपने अचानक अंदर से आवाज आई, क्या पाना है, सफलता। तो ये इंटेंशन जो कल मिला उससे बहुत बढ़िया अनुभव हुआ, और ऐसे ही करते रहेंगे, इसी तरीके से हम सभी के चेहरे के माध्यम से बाबा की प्रत्यक्षता होनी है और इसी से सेवा होनी है। दूसरा यूं को ऊपर, तीसरा अपने दादा साहब
सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के तैयार
दाखिल हो गया, कुछ बाबा की वाणी सुनी, उसके बाद में जब चला तो कोई बस नहीं मिली, बिल्कुल मैं बाबा को याद करता, हर समय बाबा को याद करता, सोते में भी जागते में भी हर समय, तो मुझे बस नहीं मिले, कई बसें निकल गई, सब घूम 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 घूम, मैंने बाबा को याद किया, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर एक कार प्राइवेट आई रुकी वही पे और तुरंत कानपुर लेके लखनऊ से आ गई 100 घंटे के अंदर। तो ये दशा हो गया मुझे कि बिना बाबा के पूरे जीवन ही नहीं, अभी तक हम कहाँ पर है, किदवई नगर में जो सेंटर बना हुआ है, बाबा घर बना हुआ है, वहां पे मैंने 30 साल रहे, कभी उधर आंख उठा के नहीं देखा कि यहाँ पर इतनी बड़ी उपलब्धि हो सकती थी। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि सभी भाई बहन उसी तरीके से जैसा रवि भाई ने यहाँ बताया उसको हम धारण करें अपने जीवन में उतारें। अभी मैं 28 तारीख को मन बन जाऊंगा और मेरी दादी माने भाई दादी ने यहाँ से रिपोर्ट किया था आखिरी दिन को, अभी मैं नया हूँ स्टूडेंट, कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो अनुभव प्राप्त हुआ उसकी अनुभव ऐसी है कि कुछ शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। जो अनुभव सुनाया सब सुना लो मैं, तो आपकी खाद्य बनता